परवेश खटक कहते हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह और साबिक वजीर आला केपीके परवेज खटक ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार देते हुए इसे सिर्फ कागजी कार्रवाई करार दिया। बातचीत करते हुए परवेज खटक का कहना था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क में इलेक्शन नहीं सदारती निजाम चाहते। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर रद्द अमल देते हुए परवेज खटक का कहना था पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, फ्रॉड इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पहले भी पार्टी में 4-5 इलेक्शन जाली थे, सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई। सरबराह पीटीआईपी का कहना था कि हम जब हल्फ उठाते तो अहद करते कि कोई रास अफजा नहीं करना। साइफत लहराकर साबिक चेयरमैन ने गद्दारी और आईन के खिलाफ वर्जी की। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। परवेज खटक का कहना था जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। इमरान खान ने सोचा मुल्क को नहीं चलने दूंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ख्याल था मुल्क में इंतजार फैलाऊंगा। आर्मी तनसीबात पर हमलों के लिए अलग टीम बनाई गई। ये शख्स 1.5 साल तक इंतजार फैलाता रहा जिससे मुल्क की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ा। साबिक वजीर आला केपीके ने कहा कि असम्बली तोड़ने के हक में कोई सियासतदान नहीं था। साबिक चेयरमैन पीटीआई को समझाया कि सूबाई असम्बली ना तोड़ी जाए, लेकिन वो अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे।